खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सुशील कुमार मोदी जी आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। जाहिर है ऐसे में वो तमाम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एड़ी चोटी के जोर लगा रखे हैं और उनकी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जा सके और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों को मना सके। और फिलहाल हमारी मौजूदगी पटना के एसके पुरे इलाके में है। पटना साहिब लोकसभा सीट में ये इलाका आता है और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रोड शो निकाला है। आप देखिए कि बाइक पर सवार बीजेपी कार्यकर्ता रोड शो में आगे आगे चल रहे हैं और पीछे ट्रकनुमा रथ पर इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, साथ में उनके बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्थानीय विधायक नितिन नवीन समेत तमाम नेता मौजूद हैं। सीपी ठाकुर को आप देख रहे हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं। आज आखिरी दिन है और ऐसे में जो बीजेपी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील करना चाहते हैं। रविशंकर जी, पहली बार लोकसभा का चुनाव आपके सामने, वो कैंडिडेट जो यहां से दो बार जीत चुका है 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? बीजेपी के कारण जीते, क्षमा करिए थोड़ा गला बजा हुआ, ये बीजेपी की सीट है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, जनता ने कमल छापे वोट लगाया। इस बार के रिजल्ट में आप देखेंगे सीधा साफ साफ हो जाए, एनडीए बीजेपी की बहुत ही प्रभावी जीत होगी। स्टार छवि जो उनकी थी, क्या स्टार छवि जो लेकर शत्रुघ्न सिन्हा चलते हैं, बड़े स्टार रहे हैं, उसका कोई असर वोट पर नहीं पड़ेगा? इसकी छवि क्या है, मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और पटना साहब के मतदाताओं का मिजाज, कार्यकर्ताओं की ताकत जानता हूँ और वो सभी नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी आए थे, अच्छा खासा रोड शो किया, 1-2 किलोमीटर का रोड शो था लेकिन भीड़ ठीक ठाक थी, तो क्या लगता है कि वो वोट में तब्दील हो पाए? बुलाई गई भीड़ थी बाहर से, आप देखिए ये सिर्फ एक क्षेत्र की भीड़ है, तो 23 तारीख तक इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी। आखिरी सवाल की आज कुछ घंटे बाकी हैं आपके चुनाव प्रचार खत्म होने में, कौन सी चीजें आप लोगों के बीच कह रहे हैं कि जनता आपको वोट दे, वो तीन मुद्दे कौन से हैं जिनके लिए जनता रविशंकर प्रसाद पर पहली बार भरोसा जताए? आशा बनाम अवसरवाद, मैं पार्टी का महामंत्री रहा हूँ, 8 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ, तमिलनाडु, बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, तो अनुभव का कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात, एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, पटना साहब को एक अच्छे महानगर की कोशिश, ये तीनों हमारे मुद्दे हैं और जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है क्योंकि जनता बीजेपी पर विश्वास करती है। राष्ट्रवाद को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? राष्ट्रवाद को इन चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए मरने वाले शहीदों पर सबूत मांगेंगे, अगर आप अपना आप चेहरा देखेंगे पाकिस्तानी टीवी पर, तो राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा बनेगा, बनाएंगे। तो राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है, अवसरवाद और विकास, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ सुशील कुमार मोदी भी मौजूद हैं जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री। मोदी जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच जीत को लेकर, रविशंकर जी के कितने आश्वस्त हैं? देखिए, केवल एक ही लाइन बता दें कि जो विलेन था उसको हम लोगों ने हीरो बनाया और इस बार पटना की जनता हीरो को विलेन बना दी। लेकिन वो फिल्मों में तो हीरो बनते रहे और यहाँ से 50% से ज्यादा वोट शेयर दो बार उन्होंने पाया। मैंने एक ही लाइन में कह दिया ना कि विलेन को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हीरो बनाया था और इस बार पटना साहिब की जनता हीरो को विलेन बना दे।
विलेन को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना साहिब में हीरो बनाया था। सीधा सीधा ये हमला शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर था, जो यहां से दो बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 50% से ज्यादा वोट शेयर उनको हासिल हुआ था, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सामना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। 19 मई को वोटिंग होगी और 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर पटना साहिब का हीरो कौन है। मेरे सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज पटना।